हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। पहले धारा 370, फिर राम मंदिर और अब क्या करने वाले हैं पीएम मोदी, कौन सा होगा वो बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि वो तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लेने वाले हैं और ये बयान सुनते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। एक घबराहट में पीओके पहुंच गया तो दूसरा एलओसी पर। पाकिस्तान ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस बयान को सुनकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, वो बयान पीएम मोदी ने किसी इंटरव्यू या रैली में नहीं दिया बल्कि संसद में खड़े होकर दिया है। और ये भी सबको मालूम है कि संसद में जो कहा जाता है वो बाकायदा रिकॉर्ड होता है। संसद में कही गई बात से पलटना आसान नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के इसी कॉन्फिडेंस ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए अपने तीसरे कार्यकाल के बारे में बड़ा ऐलान करते हुए बोला कि अब की बार 400 पार। साथ ही ये भी कह दिया कि कुछ फैसले ऐसे भी लिए जाएंगे जो वाकई सबको हैरान करने वाले होंगे। तो सबसे पहले तो आप वो बयान सुनिए, उसके बाद बात आगे की करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तो सुना आपने, पीएम मोदी के इसी बयान को सुनकर पाकिस्तान का हाल ऐसा हो गया है मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल के फैसले तो पूरी दुनिया देख ही रही है कि किस तरह से राम मंदिर के वादे को पूरा किया, कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया और अब तीसरे कार्यकाल में क्या होगा, बस इसी से घबराया हुआ है पाकिस्तान। आपको बता दें कि पीएम मोदी जब संसद में बयान दे रहे थे तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीओके जा पहुंचे, वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एलओसी पर डेरा डाल दिया। पीएम मोदी ने तो सिर्फ यही कहा था कि वो बड़े फैसले लेने वाले हैं, लेकिन इनमें से एक फैसले के बारे में तो खुद पाकिस्तान ने ही बता दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पीओके पहुंचकर कहा कि हम पर हमला होने वाला है, तो वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एलओसी के पास आकर धमकी दी कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम भी पूरी ताकत से जवाब देंगे, यानी कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने कहा कि भारत हमारे कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, इसके लिए भारत हम पर हमला कर सकता है। काकर ने खास तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान का नाम लिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी कहा कि भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयार है। मजे की बात तो देखिए कि पीएम मोदी ने तो पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि हम बड़े फैसले लेने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो अचानक ये सुनते ही हार्ट अटैक आ गया। असीम मुनीर ने कनाडा का नाम लेते हुए कहा कि भारत कई देशों में घुसकर ऑपरेशन कर रहा है, पूरी दुनिया को भारत के खिलाफ आना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारत ने वैश्विक स्तर पर कई बार इस बात का जिक्र किया है कि पीओके भारत का है, तो क्या मालूम पीएम मोदी का अगला कदम पीओके को वापस लेने का ही हो, और यही वजह है कि पाकिस्तान खौफ में है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे।